आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होंगे कैंसिल, वो भी बिना कारण से। सर ऐसे क्यों कह रहे हो, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों होगा? भैया अभी लेटेस्ट देखो, अभी कल ही ये नोटिस आया है 9 फरवरी 2024 को। फॉर्म नंबर है REG 17, रूल है रूल नंबर 21, ठीक है ना। और साथ में इन्होंने कहा है सो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं हमारा, किस वजह से कर रहे हैं, जरा वजह सुन लेना भाई साहब। और आप मुझे वजह सुनकर बताना कि क्या ये सही वजह है। इन्होंने वजह लिखा है कि वेयर एज ऑन द इंफॉर्मेशन विच हैज़ टू कम टू माई नोटिस इट अपेयर्स डेट योर रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसिल फॉर द फॉलोइंग रीजन। कि भैया इस रीजन की वजह से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है। मैंने कहा भैया रीज़न क्या है, कह रहे नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन इन दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब। कि भैया आपने कोई रूल वॉयलेशन करा है, आपने एक्ट के अंदर कुछ वॉयलेशन करा, भैया क्या वॉयलेशन करा है इसमें लिख कर तो बता दो। क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होता है वो सेक्शन 29 से होता है, और सेक्शन 29 से हमारा GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। साथ में इन्होंने रूल बताया है कि जी भाई ये वाले रूल से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये रूल क्या कहता है। जब हम इस रूल के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर कई सारे कारण लिखे हुए हैं कि भाई इन इन वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, जिन जिन रूल की इन्होंने यहाँ पर बात करी है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे को क्या अंदाज़ा लगाना है कि हमने कौन सा रूल वॉयलेशन करा, या GST ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कभी कैंसिलेशन का नोटिस दे, अगर इस तरह का कोई नोटिस हमारे को GST डिपार्टमेंट दे रहा है तो क्या यहाँ पर उस रूल को लिखकर देना जरूरी है या नहीं, क्या इस तरह के नोटिस वैलिड होने चाहिए या इस तरह के नोटिस इनवैलिड होने चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं यू आर हेयर बाय डायरेक्ट टू फर्निश ए रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। कि भाई 7 दिनों के अंदर अंदर आप हमें रिप्लाई दो कि क्यों ना हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, या आप हमारे से आकर मिलो 16 फरवरी को 11:11 पर, ठीक है ना। और अगर आपने ये ठीक है ना, अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा या पर्सनल हेयरिंग पे नहीं आए तो हम इस केस को एक्स पार्टी कर देंगे, और ठीक है ना आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाता है 9 फरवरी 2024 से, ठीक है ना जी। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये नोटिस वैलिड है, क्या यहाँ पर उन्हें रीजन नहीं लिख कर देना चाहिए कि भाई ये किस वजह से हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, किस रूल का वॉयलेशन करा है। तो अगर ये वाले नोटिस कभी भी हाई कोर्ट देखेगा तो वो सिंपल कह देगा कि भाई ये नोटिस वैलिड नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं जा सकता, हर व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो मेरी अपील है GST ऑफिसर से, GST डिपार्टमेंट से कि भैया हो सकता है कि क्लाइंट ने वॉयलेशन करा हो, लेकिन किस चीज़ का वॉयलेशन करा है ये आप लिख कर बता दो तो उसे रिप्लाई करने में आसानी रहेगी। अदर वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा, वो तो फिर 16 फरवरी को आपसे आके मिलेगा, तभी आप बताओगे उसे। अब अगर वो आपसे आके मिलता है तो उसका समय ख़राब हो रहा है, अगर किसी प्रोफेशनल के साथ आकर मिलता है तो उसके पैसे ख़राब हो रहे हैं, तो वो बिजनेस करेगा, अपना समय ख़राब करेगा, पैसे ख़राब करेगा। तो ये अगर आप यहाँ पर क्लियर दे दोगे कि भाई आपकी 3B में सेल ज़्यादा है, GSTR 1 में कम है, या जो भी वाइस वर्सा है, तुमने इसका वॉयलेशन करा है फ्रॉड की वजह से, तुम्हारा तुमने फ्रॉड करा है इस वजह से, तुमने बोकस बिलिंग करी है इस वजह से, अरे जो भी रीज़न है वो आप लिख कर बता दो कि इस रीजन की वजह से कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ये लिख दोगे कि तुमने ठीक है ना, तुमने क्या करा है कि रूल्स को वॉयलेशन करा, एक्ट को वॉयलेशन करा, ये सही तरीका नहीं होता, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता। तो भैया अब इस केस में असेसी को क्या करना है, असेसी को अगर मिलने जाने की इच्छा है तो मिलने चला जाए, लेकिन मिलने जाओगे तो तुम्हें पता है डिपार्टमेंट में आजकल क्या हो रहा है, चाहे दिल्ली का हो, चाहे UP का हो, चाहे बंगाल का हो, पूरे इंडिया के कहीं के भी ले लो, 90% से ज़्यादा डिपार्टमेंट में मिलने का मतलब सबको पता है, सब कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं मेरे को यहाँ पर कि जी मिलने जाएंगे तो क्या प्रपोज हो रहा है, और इसमें बुरा मत मानो आप, ठीक है ना, 90% से ज़्यादा लोगों के केस में यही हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मिलने ना जाए तो इसका रिप्लाई करो,
इस रिप्लाई में लिखो कि भाई साहब आप बता तो दे कि हमने क्या वॉयलेशन करा है। जब आप वॉयलेशन हमें बता दोगे तभी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे कि क्या पता तुम्हें गलत फहमी हुई हो। तो भैया इस तरह के अगर कोई भी नोटिस आ रहे हैं तो उसका रिप्लाई करो, ठीक है। और मेरी ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नोटिस ना भेजें। और रिप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इन सारी चीज़ों की अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा अर्जुन कोर्स चल रहा है, हर संडे टू संडे क्लास होती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो, इसमें 180 घंटे का कोर्स है। तो आप इसके अंदर सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि कैसे नोटिस आता है, कैसे रिप्लाई करता है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सर ये तो पहले शुरू हुआ था, अब तो क्लास निकल गई होंगी। भैया जो 2-3 क्लासें निकली हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टोटल 50 में से अभी 10% क्लासें भी नहीं गई हैं, फटाफट से इसे ज्वाइन कर लो। और हाँ, अगर इनकम टैक्स सीखना चाहते हो तो इनकम टैक्स का एकलव्य बैच स्टार्ट कर दिया है हमने 17 फरवरी से, उसे भी ज्वाइन कर लो। और हाँ, इस चीज़ को समझो, दोनों लेना चाहते हो तो कॉम्बो कोर्स ऐप को डाउनलोड करो, फटाफट से कॉम्बो कोर्स ले लो। और ऐप को डाउनलोड करके फ्री कोर्स देखकर हमें बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। और कल हमारा संडे को वेबिनार है, किसके ऊपर, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के ऊपर, इसे ज्वाइन कर लेना। और MSME के बारे में क्या क्या डिस्कशन है वो भी इसके अंदर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।